स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है गुजराती। तो आगे हमने व्यंजन कंप्लीट कर लिए, अब हम स्टार्ट करेंगे स्वर। तो स्वर में क्या होता है, अ आ ई बड़ी ई छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो आज का हमारा जो मूलाक्षर है गुजराती में वो कौन सा है, अ अनानस न अ, अ अजगर न अ। फिर से बोलते हैं एक बार, अ अनानस अ अजगर न अ, अ अनानस न अ ने अ अजगर न अ। अनानस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाइनएप्पल। ये तो हम सबका फेवरेट है फ्रूट, है ना। पाइनएप्पल तो सबको पसंद है। और पाइनएप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, पी आई एन ई ए डबल पी एल ई, पाइनएप्पल। और अजगर को क्या कहते हैं, पाइथन। और पाइथन का स्पेलिंग क्या होता है, पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन मतलब अजगर। तो इसे क्या कहते हैं, अ अनानस न अ, अ अजगर न अ। तो अब हम सीखेंगे कि अ को हम कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये वाला है। तो फर्स्ट यहाँ तक, फिर सेकेंड हम करेंगे थोड़ा र जैसा, फिर आगे थर्ड वाला स्टेप हमारा यहाँ तक, और ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, अ अनानस नो अ। तो नीचे वाली लाइन भी हम ट्रेस कर लेते हैं, अ अनानस नो अ, अ अनानस नो अ, अ अनानस नो अ, अ अनानस नो अ, और अ अनानस नो अ। तो ये हमने ट्रेस कर लिया, अब हम खुद से लिखेंगे, अ अनानस नो अ, 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 अ अनानस नो अ। तो इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है मूलाक्षर, इसे क्या कहते हैं, अ अनानस नो अ और अ अजगर नो अ। और अब हम देखेंगे आ आग नो आ और आ आमली नो आ। जो पहले वाला हमने मूलाक्षर देखा था वो कौन सा था, अ, और अब ये है आ। इसे क्या कहते हैं, आ आगनो आ और आ आम्लिनो आ। तो अब हम सीखेंगे आग को क्या कहते हैं, फायर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फायर। तो फायर का स्पेलिंग एफ आई आर ई, फायर। और आम्ली को क्या कहते हैं, राइट टैमरिंड। तो उसका स्पेलिंग है टी ए एम ए आर आई एन डी, टैमरिंड मतलब आम्ली। आ आग्नो आ आम्लिनो आ। अब हम सीखेंगे कि आपको कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये, सेकेंड ये वाला यहाँ तक, और थर्ड यहाँ पे ख़त्म होता है अ, और फिर है बना हमारा आ। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आ, आ आग्नो आ। अभी इस लाइन को भी हम ट्रेस कर लेते हैं, आ आग्नो आ, आ आग्नो आ, आ या फिर आप आम्ली का भी बोल सकते हो, आ आम्ली,
का भी आ, या फिर आप आ आगगाड़ी नो भी आ, ओके, आ आग नो आ, आ आग नो आ, ओके। तो यहाँ पे हमने ट्रेसिंग कंप्लीट कर लिया, अब हम खुद से लिखेंगे। आ आगगाड़ी नो आ, आ आग 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 नो आ, ओके। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आ आग नो आ, ओके। तो आज हमने कितने मूलाक्षर सीखे? 2। फर्स्ट हमारा था अ अनानस न अ और अ अजगर न अ, और फिर था आ आगगाड़ी नो आ, या फिर आ आग नो आ, और या आ आमली नो आ। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख के और बोलना है और ये सीखना भी है।